लेट मी ओपन एशियन पेंट। दोस्तों आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि एशियन पेंट का लेना देना क्रूड के साथ है, क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो एशियन पेंट के प्रॉफिट घटते हैं। और अभी अगर मैं क्रूड देखूं, लेट मी शो यू क्रूड, दिस इज क्रूड। क्रूड दोस्तों वापस से अच्छी रिकवरी में है। मैं कितने समय से लिख रहा हूं कि क्रूड ने जब ये लेवल पार किया, राइट, कौन सा वाला, ये वाला हाई, कि भी अब ये क्रूड 3 डिजिट में आएगा, 3 डिजिट यानी 100 पे आने वाला। मैंने 100 तो एक ही नॉर्मल लिया है, इतना तो उम्मीद करना चाहिए ना दोस्तों, राइट। तो मैं क्या लिख रहा हूं, 3 डिजिट 3 डिजिट, क्यों 100 की उम्मीद है। पर क्रूड बढ़े तो ये बीओटी दिया क्रूड ने, पॉजिटिव बीओटी, तो इसका उल्टा क्रूड रिलेटेड कंपनी ने क्या दिया, दिस इज योर एशियन पेंट, इसने नेगेटिव बीओटी दिया। आप सोचो ये आउट परफॉर्मिंग कंपनी है दोस्तों, जबरदस्त इसने कमा के दिया हुआ है। अभी ये आराम मोड में है, बाजार ने ब्रेकआउट दे दिया, दिया कि नहीं, बाजार इस लेवल के ऊपर निकल चुका है, पर एशियन पेंट ने बीओटी दिया नेगेटिव। क्यों, एशियन पेंट जैसे यहां पे है, राइट, करेक्शन मोड में कंटिन्यू है कि नहीं, तो थोड़ा समय ये करेक्शन में रहेगा, राइट। एक बार ये करेक्शन का दौर निकल गया, फिर हम क्या करेंगे, गिन लो सीधा सीधा यहां से यहां करके एक्सटेंशन देख लो, ब्रेकआउट देने के बाद एशियन पेंट कितना दौड़ेगा, राइट, 6800 का टारगेट रखेंगे, लेकिन अभी नहीं, कब, एक बार काम ये करेक्शन खत्म हो जाने दो तब। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, पता है, एशियन पेंट में देखो ऐसी कंपनी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी। अभी दिक्कत क्या आई दोस्तों, एक तो डिमांड कम हुई इसकी, ये डिमांड कम हुई बिल्कुल अच्छी बात नहीं, 60% अच्छी चीज नहीं है दोस्तों, ग्रोथ तगड़ा होना चाहिए। पिछले साल 19% का ग्रोथ था ना, इससे पहले जब Q4 के नतीजे दोस्तों आए तभी ग्रोथ वीक हुआ था, 11% ग्रोथ, तो यहीं पे अलर्ट था। हमने जब फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट बताए तब भी कहा था कि Q4 के सेल्स अच्छे नहीं आए, सिमिलर थिंग वी कैन सी इन Q1, सेल्स और कम आए, राइट। तो डिमांड में थोड़ी कमी है, डिमांड में कमी, प्रॉफिट जबरदस्त है। क्यों जबरदस्त है, क्योंकि पिछले साल इनके मार्जिन घटिया थे। अब लास्ट ईयर के मार्जिन देखो 12%, नाउ लेट मी शो यू व्हाट इज 12%। आप इनके हिस्टोरिकल मार्जिन देखो, इधर गए ये रहे, हिस्टोरिकल मार्जिन इनके ऑलमोस्ट कितने हैं, 11, राइट, ये रेंज में इनके मार्जिन चलते हैं। पिछले साल इनके मार्जिन दोस्तों दूसरी कंपनियों से बेहतर थे, 12 से 17। इस बार हमने जबरदस्त मार्जिन बढ़ते देखा है, क्योंकि रॉ मटेरियल के दामों को हमने घटते देखा है। पर दोस्तों नया अपडेट, क्रूड का दाम बढ़ रहा है, तो आपको पता रहना चाहिए इनका जो रॉ मटेरियल है जो अभी आपके फेवर में है, रॉ मटेरियल का 12% से घटा था, इसीलिए मार्जिन बढ़ा और प्रॉफिट दौड़े। पर Q2 में हम ऐसी उम्मीद नहीं रखेंगे, Q2 में एक चैलेंज है, एक तो धंधा थोड़ा वीक है 7%, प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर Q2 में आपके मार्जिन नीचे आने चाहिए कंसिडरिंग द अपट्रेंड इन क्रूड। सो इसकी इफेक्ट आपको सीधी चार्ट में दिख रही है। मैंने जब लास्ट टाइम आपके नतीजे यहां पे बताए थे, मैंने क्या कहा था, बाय नियर 2510, टारगेट इस साल का हमने 3800 का रखा हुआ है, राइट। अब जो भी बाइंग लेवल आए या टारगेट आए, ये सब किस पे डिपेंड है, आपके फंडामेंटल्स पे। अभी अगर क्रूड के दाम घटे हैं, गिरने दो इसको, इसकी आदत क्या है, यहां से देखो आप, प्रीवियस आदत कैसी थी, इधर देखो ये गिरता है तो 1 2 3 4 5 6 7 महीने गिरा, तो इतना गिरा, पूरा रिकवर ये 1 2 3 4 महीने में हो गया, यानी तेजी जबरदस्त आती है, 1 2 3 महीने में तेजी, यहां भी गिरा तो 7 महीने में, तो धीमे धीमे गिरेगा, पर बाइंग अचानक नीचे से आएगा जो इसको ऊपर ले जाएगा, राइट। नाउ हियर 50 में 100 में ये सब दूर है, बराबर कि नहीं, ये तो आप देख रहे हो हिस्टोरिकली कभी मगरमच्छ के लपेट में आया ही नहीं है, आया है क्या, अलीगेटर की जो रेंज है उसमें ये कभी आता नहीं, ये ऊपर ही रहता है, क्योंकि इसके फंडामेंटल वैसे है दोस्तों, राइट। नाउ एक बार ब्रेकआउट देने के बाद हम तेजी उम्मीद करेंगे, तब तक क्या दोस्तों, आपको नहीं लगता इधर SIP करना चाहिए, SIP करते जाओ इधर, राइट, ये लेवल पे आके एग्रेसिव बाइंग करने का है ना, या तो फिर ऐसा अभी गिर रहा है बीओटी तो देने दो, जब भी कोई बीओटी आएगा वो आपका एग्रेसिव होने का टाइम है। और फिर दोस्तों ये बार बार इधर नहीं रुकेगा, क्योंकि धंधे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते रहेंगे, इसको आज नहीं तो कल रैली, आराम मोड़ के बाद रैली करना है, अगर इस रैली का फायदा उठाना है ऐसे करेक्शन में इकट्ठा करो, राइट।
अब आपको पता है कि ये रैली कितनी करेगा, राइट? दिन लेने का एक्सटेंशन टारगेट बराबर कितने समय में, जितना समय आराम किया है 1.5 टाइम्स में, आराम का डेढ़ गुना समय, बराबर है? तो दिस वाज योर एशियन पेंट। अभी हमने इसका एक नेगेटिव पॉइंट देखा, दो नेगेटिव पॉइंट, डिमांड कम है और क्रूड का दाम बढ़ता जा रहा है।